नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आपका स्वागत है अपने पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस के बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं संदीप ग्रोवर लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सफर। बढ़ती गर्मी से राहत के लिए घरों और ऑफिस में लंबे समय तक एसी चलाने पड़ रहे हैं। इस कारण देश भर में बिजली की मांग बढ़ गई है। मांग बढ़ने से बिजली की कीमत भी बढ़ी है। पिछले एक महीने के दौरान पावर एक्सचेंज पर बिजली की कीमतों में 25% की बढ़ोतरी देखी गई है। 2 मई को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर बिजली का दाम 5.80 रुपये प्रति यूनिट रहा, जो एक महीने पहले 4.60 रुपये प्रति यूनिट था। अप्रैल में एक्सचेंज पर 9,044 मिलियन यूनिट का कारोबार हुआ, जो सालाना आधार पर 14% अधिक है। जानकारों का कहना है कि अभी आगे गर्मी और बढ़ने से बिजली की मांग भी बढ़ेगी, जिससे इसके दाम में और उछाल आ सकता है। गर्मी बढ़ने से दालों के दाम कम हुए हैं। अत्यधिक गर्मी के कारण दालों की मांग प्रभावित होने की आशंका है। इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के मुताबिक चने की खरीदारी में कमी देखने को मिल रही है, जिससे कीमतों में नरमी आई है। इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने कहा कि चुनिंदा बाजारों में बढ़ती आवक की वजह से प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में चने की कीमतों में 100 से 150 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई है। हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले करीब 43% ग्राहकों को क्लेम लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोकल सर्कल्स के एक सर्वे में ये खुलासा हुआ है। सर्वे के परिणामों से ये भी पता चला है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी धारकों को क्लेम रिजेक्ट होने, आंशिक मंजूरी और क्लेम सेटलमेंट में लंबा वक्त लगने जैसी चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। इरडा के कुछ हस्तक्षेपों के बावजूद कंज्यूमर्स को अपने स्वास्थ्य दावे प्राप्त करने के लिए बीमा कंपनियों से जूझना पड़ रहा है। ग्राहक हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को बीमा कंपनी के नकारे जाने और पॉलिसी निरस्त कर देने जैसी समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। कई बार बीमा कंपनियां क्लेम की गई संपूर्ण राशि के बजाय आंशिक राशि को ही मंजूरी देती हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घर खरीदने वाले करीब 12,000 लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। आम्रपाली और गोदरेज ग्रुप ने अपनी कुल बकाया राशि का 25% भुगतान कर अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों का लाभ उठाया है। इससे आम्रपाली के 10,000 और गोदरेज के 2,000 घर खरीदार अब अपने मकान की रजिस्ट्री करवा सकेंगे। पिछले एक दशक से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में करीब 76,000 घर खरीदार रजिस्ट्री के लिए परेशान हैं। आम्रपाली की ओर से NBCC आम्रपाली सेंचुरियन पार्क, ड्रीम वैली, गोल्फ लिंक, लेजर वैली और आम्रपाली कैसल परियोजनाओं में करीब 38,000 फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं। मतदान वाले दिन मुंबई में यात्रियों को मेट्रो टिकट पर 10% छूट मिलेगी। महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की है कि 20 मई को मुंबई में लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए यात्रियों को टिकटों पर 10% छूट दी जाएगी। मेट्रो लाइन 2A और 7 पर यात्रा करने वाले यात्रियों को ये छूट मिलेगी। महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉरपोरेशन अंधेरी वेस्ट और दहिसर ईस्ट के बीच मेट्रो लाइन 2A और दहिसर ईस्ट से अंधेरी ईस्ट के बीच लाइन 7 का संचालन करता है। करीब 8,000 करोड़ रुपए के 2,000 के नोट अभी तक बैंकिंग सिस्टम में वापस नहीं लौटे हैं। RBI के मुताबिक बंद हो चुके 2,000 रुपए के अब तक 97.76% नोट वापस आ चुके हैं। RBI ने 19 मई 2023 को 2,000 रुपए के नोट को वापस लेने की घोषणा की थी। उस दिन तक बाजार में 3,56,000 करोड़ रुपए मूल्य के बराबर 2,000 के नोट मौजूद थे। 30 अप्रैल 2024 तक इनकी संख्या घटकर सिर्फ 7,961 करोड़ रुपए रह गई है। बार बार तारीख आगे बढ़ाने के बावजूद ये नोट बैंकों में वापस नहीं लौट रहे हैं। ऐसे में इन नोटों को लेकर संशय बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल होना शुरू हो गए हैं। 1 अप्रैल से खुले ऑनलाइन पोर्टल पर अब तक 6 लाख इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुके हैं। कुल दाखिल हुए रिटर्न में से 2/3 से ज्यादा सत्यापित रिटर्न प्रोसेस भी हो चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जल्दी आयकर रिटर्न दाखिल करने से टैक्सपेयर्स को जल्दी रिफंड पाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा उन्हें बिना किसी जुर्माने के रिटर्न को संशोधित करने या सही करने के लिए ज्यादा समय भी मिलेगा। खाद्य नियामक मसालों के साथ साथ अब अन्य फूड प्रोडक्ट्स पर भी सख्ती करेगा। सिंगापुर और हांगकांग में MDH और एवरेस्ट के कुछ मसालों पर प्रतिबंध लगने के बाद FSSAI ने सभी ब्रांड्स के मसालों की जांच अनिवार्य बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही फोर्टिफाइड चावल, फल सब्जियों, मछली, दूध और डेयरी उत्पादों की जांच को भी अनिवार्य बना दिया गया है। भारतीय मसाला बोर्ड ने भी देश से निर्यात किए जाने वाले सभी मसालों की टेस्टिंग को अनिवार्य बना दिया है।
देश में जल्द ही पहली वंदे मेट्रो ट्रेन पटरी पर दौड़ने वाली है। भारतीय रेलवे के मुताबिक जुलाई 2024 से वंदे मेट्रो का ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। वंदे मेट्रो ट्रेन को वंदे भारत एक्सप्रेस की तर्ज पर लॉन्च किया जा रहा है। ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। वंदे मेट्रो किफायती कीमत पर शटल की तरह काम करेगी, जो शहर और इंट्रासिटी दोनों यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी। वंदे मेट्रो ट्रेन को 250 किलोमीटर तक की दूरी तय करने वाले शहरी यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। एयर इंडिया दिल्ली से ज्यूरिख के लिए सीधी उड़ान सेवा 16 जून से शुरू करेगी। इसके साथ ही ज्यूरिख भारत से एयर इंडिया की सीधी उड़ान सेवा वाला सातवां यूरोपीय शहर बन जाएगा। एयर इंडिया ज्यूरिख के लिए सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उड़ान संचालित करेगी। उड़ान के लिए बोइंग 787 विमान का उपयोग किया जाएगा। बाजार नियामक सेबी ने पोर्टफोलियो मैनेजर्स के ग्राहकों के लिए डिजिटल रूप से जुड़ने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। इस कदम का उद्देश्य कारोबार सुगमता को बढ़ाना है। पोर्टफोलियो मैनेजर्स को ग्राहकों को शामिल करते समय ये सुनिश्चित करना होगा कि नए ग्राहक टाइप किए गए या इलेक्ट्रॉनिक रूप से लिखे गए नोट का इस्तेमाल करें। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने शुल्क संरचना को समझ लिया है। डिजिटल तरीके से जुड़ने के आसान नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। अब आप मनी9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है, तो आप सीधे अपने एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, कहीं भी, कभी भी, सिर्फ मनी9 पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलवंत जैन। क्या आप टैक्स बचाना चाहते हैं या टैक्स की कोई समस्या आपको सता रही है, तो आप मुझे कहीं भी कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कहाँ पर? टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन मनी9 के ऐप। अगर मनी9 ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो अभी डाउनलोड कर दीजिए। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी9 ऐप को भी डाउनलोड कर लें। तो बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।